धमकी भरे कॉल्स हो या फिर अपनी बहन पर एसिड अटैक, कंगना रनौत हमेशा ही सुर्खियों में घिरी रही हैं। मगर ये पब्लिसिटी अक्सर नेगेटिव भी हो जाती है, लेकिन कंगना नहीं मानती कि नेगेटिव पब्लिसिटी और उनकी फिल्मों का कोई ताल्लुक है। आप कितना अपना पीआर करते हैं उसका इस बात से कुछ लेना देना है कि आपको कौन सा रोल ऑफर होना चाहिए। ज्यादा मैटर करता है कि आपकी इमेज कैसी है। अनफॉर्चुनेटली एक्टर लोगों के लिए एक उन्होंने वो किया होता है कि इन पे ये रोल ही सूट करेगा, जबकि इन एक्टर कैन डू एनी काइंड ऑफ रोल। कंगना ने नए होने के बावजूद इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बना ली है, मगर कुछ ऐसी भी मंजिलें हैं जिन्हें कंगना को अभी हासिल करना है। इनमें उनकी ड्रीम को स्टार के अलावा हैं कुछ ऐसे कैंप्स जिनके साथ वो करना चाहेंगी काम। आमिर खान डायरेक्टर्स लाइक संजय लीला भंसाली एंड यश चोपड़ा इफ ही वुड बी डायरेक्टिंग आदित्य चोपड़ा एंड देन महेश भट्ट इफ ही डायरेक्ट्स हिमसेल्फ। कैंप के साथ क्या काम करें। कंगना रनौत उन चुनिंदा एक्टर्स में से हैं जिनके लुक और ग्लैम क्वेश्चन की काफी तारीफ होती है। मेट्रो को छोड़ अपनी किसी फिल्म में उन्होंने ना तो अपने बालों के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया ना ही अपने स्टाइल के साथ, मगर फिर भी उन्हें माना जाता है एक यूथ आइकॉन। मैंने कभी भी ऐसा इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे मैं अलग लगूं। आई एम माईसेल्फ एंड आई थिंक यंगस्टर्स दे लाइक टू बी लाइक दैट कंफर्टेबल विद इन देमसेल्फ। कंगना के लुक्स और टैलेंट ने इतने कम समय में उन्हें एक अच्छी एक्टर होने का टैग तो दिला दिया है। अब अपनी कंट्रोवर्सीज को पीछे छोड़ कंगना और कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचती है, बस ये देखना है बाकी। कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई।